नमस्कार, मैं प्रांजलि सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। और अब वक्त हो चला है अपराध जगत से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों का। सुल्तानपुर में धनपतगंज थाना के बरसावा गांव में बिजली कर्मचारियों के घर पर दबंगों ने धावा बोला। दबंगों ने घर में घुसकर धारदार हथियार से महिला और अधेड़ बुजुर्ग को लहूलुहान कर घायल कर दिया। सुल्तानपुर में बलदेराय थाना के टडरसा गांव के रहने वाले सुरेश सिंह ने बताया कि वह हरनटिनगंज बाजार से वापस आ रहे थे। आते समय जैसे ही टडरसा गांव पहुंचे तो पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने हमला कर उसके भाई को घायल कर दिया, तो वहीं घायल के भाई ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। सुल्तानपुर प्रयाग अयोध्या राजमार्ग के बाईपास पर ट्रक और बस में आमने सामने की टक्कर हुई। फिलहाल हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ, तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अमेठी में थाना मुंशीगंज पुलिस ने कृष्णलाल कोरी और राम सरन सरोज उर्फ सन्ने नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पंप सेट इंजन बरामद किया है। हमीरपुर के बिवार कस्बे में बांधुर रोड पर मौजूद गैस एजेंसी सहित आसपास की 6 दुकानों और घरों को अज्ञात चोरों ने बीती रात निशाना बनाया। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश में स्थानीय पुलिस लग गई है। आपको हमारी खबरें कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर इन खबरों को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इन खबरों से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।